दोस्तों, जियो सिनेमा पर इस टाइप की सीरीज अवेलेबल होंगी, इसके बारे में सच में मुझे किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं था। और आज के इस काउंटडाउन में हम जानेंगे कुछ ऐसे क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में जिनकी स्टोरी तो आपको सच में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगने वाली होगी, लेकिन इन सीरीज में आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे दृश्य नजर आने वाले होंगे जिनकी वजह से इन सीरीज को एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 पर है धनबाद ब्लूज। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2018 में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बंगाली डायरेक्टर से जिसे पकड़कर धनबाद लाया जाता है और वहां पर कुछ डर्टी पिक्चर्स बनाने का काम उन्हें दिया जाता है। और लास्ट तक ये बंगाली डायरेक्टर कितने सारे मूवी धनबाद में जाकर बनाता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इवन ये डायरेक्टर उन सभी क्रिमिनल्स के हाथ से अपनी जान किस तरह बचाता है, ये भी इस सीरीज में देखने लायक है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.1। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 9 पर है चरित्रहीन। क्राइम और थ्रिलर से बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2018 में। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी औरत से जिसके पति होने के बावजूद भी वो एक दूसरे लड़के से प्यार करना शुरू कर देती है और ये लव स्टोरी उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। और ये लव स्टोरी किस तरह 3 लाइफों को बर्बाद करती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 8 पर है फ्लैश। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2020 में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ऑफिसर से जो कि लड़कियों की किडनैपिंग के केस को किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक वो इस केस को किस तरह सॉल्व करती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.4। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 7 पर है महाभारत मर्डर्स। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2022 में। दोस्तों, इसकी कहानी आपको सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली है क्योंकि इस सीरीज में आप देखने वाले हैं एक ऐसे किलर को जो कि लोगों को मार तो रहा होता है लेकिन सभी लोगों को वो महाभारत के पैटर्न के हिसाब से मार रहा होता है। असल में ये महाभारत का पैटर्न ही वो क्यों यूज कर रहा होता है और लास्ट तक पुलिस इस क्रिमिनल तक किस तरह पहुंचती है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। नंबर 6 पर है बेकाबू। क्राइम और थ्रिलर से बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2019 में। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राइटर से जो कि एक लड़की से मिलता है और लड़की से मिलते ही उसकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो मौत के मुंह तक पहुंच जाता है, लेकिन दूसरे ही सीजन में वो उसी लड़की से बदला लेना चाहता है और लास्ट तक वो अपना रिवेंज किस तरह उस लड़की से लेता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 5 पर है देव डीडी। रोमांस और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2017 में। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है और वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.4। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है और इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। नंबर 4 पर है फॉसे फैंटेसी। सीरीज के टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2021 में। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस सीरीज में हर बार एक नई एपिसोड रिलीज की जाती है और इस नई एपिसोड्स में आपको नए नए कैरेक्टर और नई कहानियां नजर आती हैं जो कि काफी हद तक लोगों को पसंद भी आती है क्योंकि इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा ठरकीपना दिखता है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर, लेकिन इसे अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 3 पर है अपहरण। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2018 में। कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर रुद्रा से जो कि सस्पेंडेड रहता है, लेकिन इसी बीच एक औरत उसे मिलती है और उसे एक खतरनाक काम देती है, यानी कि एक मंत्री के बेटी को किडनैपिंग करने का काम देती है। गलती से वो लड़की मारी जाती है और इंस्पेक्टर रुद्रा केस में फंस जाता है और लास्ट तक वो अपने आप को इस केस से किस तरह बाहर निकालता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.3। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं
जियो सिनेमा पर। लेकिन इस सीरीज में भी कुछ एपिसोड्स में कुछ ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। नंबर टू पर है इंस्पेक्टर अविनाश। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2023 में। कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर अविनाश से, जो कि उत्तर प्रदेश से क्राइम और क्रिमिनल दोनों का ही सफाया कर देना चाहता है, और वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी जो कि एक्शन और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। लेकिन इस सीरीज में एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आएंगे जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और नंबर वन पर है कैंडी। क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2021 में। कहानी की शुरुआत होती है जंगल में एक टीनेजर की डेड बॉडी पाई जाती है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।